एकदम फ्रेश चैप्टर है बच्चा, लेसन नंबर 5 है, लेसन नंबर 5 है। और लेसन 5 का नाम क्या है बच्चा, प्लीज बताएंगे नाम क्या है? लीगल रीजनिंग, समझना। अब बच्चा हम रीजनिंग करने वाले हैं, रीजनिंग समझने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले कुछ लीगल टर्म्स है, मैक्सिमम है जो आपको समझना चाहिए। इन शॉर्ट इन्होंने क्या दे दी, पूरी पूरी लिस्ट, लैटिन वर्ड की लिस्ट है, मतलब एक वर्ड है उसका मीनिंग। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं नहीं बताने वाली, बहुत सारे वर्ड्स। जब हमने ये लॉ पढ़े, हमने टोटल कितने लॉ पढ़े बच्चा, 5 पढ़े। सबसे फर्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, देन सेकेंड क्या है बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट और टॉट है, थर्ड कंपनी सेक्रेटरी एक्ट है, और फिर क्या पढ़ा था, कंपनी लॉ। इन सब में हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े हैं, कवर हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा भी दिए होंगे, उनके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूरी लिस्ट दे रखी है बच्चा, अल्फाबेटिकल तरीके से दे रखी है, ठीक है? तो इन सारे वर्ड्स एक बार देखेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बच्चा, हमने हमने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पढ़े जो गए, जैसे कि स्टॉपल दिख रहा है बच्चा, स्टॉपल दिख रहा हाँ है, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, कुछ याद आया? हाँ बाय स्टॉपल, पार्टनर क्या कह रहा था, एजेंट बाय, वेरी गुड। तो उसने सामने वाले को रोका भी नहीं, मना करने से। तो ये सारे वर्ड के मीनिंग है, एक्स पार्टी वर्ड है ना, तो ये सारे वर्ड के मीनिंग है। ये आपका होमवर्क है, आपको एक बार खुद से पढ़ने का है ये पूरी लिस्ट। बच्चा जहां खत्म होती है वहां पहुंचेंगे फटाफट, पहुंचे। चलिए एक्चुअल में यहां से मैं पढ़ाने वाली, वो आपका होमवर्क ही है, वर्ड्स मीनिंग है बच्चा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आ जाइए लीगल रीजनिंग। इन्होंने कहा हम 5 लॉ को कवर नहीं करेंगे, कितने लॉ को कवर करेंगे, 4। पहला क्या है बच्चा, देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉट और एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ। किसको कवर नहीं किया, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का लॉ इसीलिए पढ़ाया गया था ताकि आपको आपके कैरिकुलम के बारे में पता चले, ये सीएस होता क्या है, काम क्या करता है, ठीक है? तो उससे रिलेटेड लॉ को लेकर क्वेश्चन ही पूछे गए। अब सारे के सारे जो बाकी के जो 4 लॉज है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब केस से बच्चा, केस स्टडी बेस पर, ठीक है? अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा बच्चा, ठीक है? इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर आप देखोगे तो नीचे आंसर भी दे रखा है। प्लीज बच्चा ट्राई करना, आंसर मत देखो। अगर आप आंसर देखते हो तो ये आपका लॉस है, कि एग्जाम में आंसर नहीं आने वाला, ठीक है? खुद दिमाग लगाना पड़ता है। तो ट्राई करेंगे कि हम ना देखें, इसीलिए मैंने ऐसा एक कंक्लूजन निकाला है कि सारे के सारे बच्चे बुक बंद कर देंगे और स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिखाया जाएगा वही क्वेश्चन रीड करेंगे, ज्यादा अच्छा यही रहेगा। क्योंकि ना चाहकर भी हम इंसान हैं और हम देख ही लेंगे कि इसका आंसर क्या दे रखा है ना, हम बहुत अच्छे बोलने वाले इंसान है। तो सब लोग बुक बंद करेंगे, किसी की बुक खुली नहीं रहेगी। आपका जो क्वेश्चन है वो सामने स्क्रीन में दिख रहा है बच्चा, इतना विजिबल है। जिसको दूर से नहीं दिखाई देता है वो सामने बैठ सकता है, ताकि जब मैं आंसर पूछूं तो उसे बने। बात समझ में आ गई, पक्का? चलिए तो बच्चा स्टार्ट करते। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ताकि दिखेगा ही नहीं तुम लोग को, अब ये ज्यादा बेटर है, ठीक है? चलिए बच्चा, अब सबसे पहले क्या दे रखा है, लीगल प्रिंसिपल। बात अच्छे से समझना, जो ये लीगल प्रिंसिपल दे रखा है ना, एग्जाम में नहीं आता है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा आपको ये फैक्चुअल सिचुएशन दी जाएगी और आपको ये कंटेंट दिया जाएगा। लीगल प्रिंसिपल भी आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये आपको खुद क्लिक होना चाहिए, खुद क्लिक होना चाहिए। तो ट्राई करेंगे कि लीगल प्रिंसिपल भी हट जाए, ठीक है? लीगल प्रिंसिपल मैंने हटा दिया, पहले इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। कोई केस आएगा, केस आते ही आपको मुझे बताना है कि कौन सा लॉ है, उस लॉ में कौन सा प्रोविजन आपको क्लिक हो रहा है, क्या बात समझ में आई? फिर मैं वो स्क्रीन आपको दिखा दूंगी कि हाँ आपने सही लीगल प्रोविजन पकड़ा कि नहीं पकड़ा, ठीक है? चलो सबसे पहले बच्चा केस रीड करो, खुद से रीड करो, दिख रहा है ना सबको? बच्चे बस फैक्चुअल सिचुएशन, नीचे 4 पॉइंट्स। हाँ रुक जाओ, बता रही थोड़ी देर से बच्चा, जो 4 ऑप्शन है उसको भी रीड नहीं करना अभी, बस मुझे सिचुएशन रीड करो। सिचुएशन रीड किया, चलिए एक क्वेश्चन आया, क्या वर्ड बच्चा, लिखा कहाँ है ये वर्ड,
ऑप्शन नहीं रीड करना है, रुक जाना लाइक। चलो ऊपर सिचुएशन रीड करी, सिचुएशन रीड करने के बाद क्या क्लिक हुआ, कौन सा चैप्टर? गलत, टॉर्ट। वेरी गुड, क्या क्लिक होना चाहिए था? टॉर्ट। क्यों? टॉर्ट का क्या याद आया? लास्ट वाला डिफेमेशन, एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में बुरा बुरा बोल रहा है बोल रहा है ना, है ना, तो डिफेमेशन की बात हो रही है, डिफेमेशन की बात हो रही है। तो बच्चा लीगल प्रोविजन क्या क्लिक होना चाहिए था? डिफेमेशन। अब देखो क्या लिखा है, लीगल प्रिंसिपल एक बार रीड करिए, ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू फ्रीडम बच्चा और स्पीच, इन्होंने क्या बोल दिया? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल दिया। एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, फंडामेंटल राइट्स। बच्चा आपके दिमाग में क्या क्लिक हुआ? कुछ बच्चों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला, तो बच्चा क्या पूरे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या पूरे से टॉट है? दोनों का मिक्स है, आपकी बुक ने भी पूरा नहीं बताया, हमने तो दोनों मिक्स पढ़ा था। हमने पढ़ा था जनरली फंडामेंटल राइट है, जनरली हमारे पास हमारा फंडामेंटल राइट है। क्या फंडामेंटल राइट है? जिसको भी अपने आप को एक्सप्रेस करना है, किसी को भी एक्सप्रेस करना है, वो कर सकता है। लेकिन बच्चा इसके एक्सेप्शन में भी डिफेमेशन पढ़ा था, इसके एक्सेप्शन में भी हमने डिफेमेशन पढ़ा था कि भैया जनरल राइट है कि कोई भी किसी के बारे में जो बोलना चाहता है बोल दे, लेकिन क्या गलत गए उटपटांग बोल दोगे क्या? तो रिस्ट्रिक्शन थे राइट टू स्पीच में, रिस्ट्रिक्शन क्या थे? डिफेमेशन। फिर बच्चा टॉट वाले चैप्टर में जाते हैं, टॉट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डिफेमेशन। जब हमने डिफेमेशन पढ़ा था तो दो टाइप के डिफेमेशन होते, पहला लेबल और दूसरा स्लैंडर। एक रिटर्न होता है, एक स्पोकन होता है, कौन सा होता है? वेरी गुड, ठीक है। चलो अब मैं एक बार रीड करूं, सिन्हा एक फेमस इंग्लिश राइटर है बच्चा और ऑथर है, मतलब ऑथरी एक तरीके से होता है, क्रिटिसाइज करता है अनदर, एक बंदा दूसरे बंदे को क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब बुरा बुरा बोल रहा है। राहुल स्टेटिंग दैट, उसने क्या बोला, राहुल ने क्या, राहुल है ना, मिस्टर राहुल को लेकर क्या बोला? द नोवल मिस्टर राहुल, सिन्हा राहुल को लेकर बोल रहा है कि जो ये राहुल है वो क्या बच्चा? इरेशनल है। क्या लिखा बच्चा? इनडिसेंट है। इनडिसेंट मतलब अच्छा, इनडिसेंट मतलब खराब। बच्चा हिज माइंड इज इम्प्योर, उसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, ठीक है। ही इज लूज कैरेक्टर, क्या बोल दिया भैया? उसके कैरेक्टर पे बात कर दी। ही शुड राइट डिसेंट, इसको हमेशा डिसेंट और गुड नोवेल लिखनी चाहिए, बुरा बुरा बोला। अब बच्चा आपके सामने चार ऑप्शन है, तो पढ़ने का हमेशा तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको क्लिक होना चाहिए, क्या क्लिक हो रहा है? क्लिक हो गया तो बढ़िया, नहीं क्लिक होता है तो फिर ऑप्शन पढ़ना, पहले सिचुएशन रीड करके क्लिक करने का ट्राई करना, नहीं होता तो फिर ऑप्शन पढ़ना। अब हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमें ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कैन मिस्टर राहुल सू फॉर द डिफेमेशन, क्या वो डिफेमेशन के लिए केस फाइल कर सकते हैं? कर सकते हैं पक्का? चलिए, तो बच्चा He is not liable because, इसने बोला कि नहीं कर सकता, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसका पर्सनल व्यू। ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? दूसरा, he is liable to sue, वो सू कर सकता है for the defamation if his statement was not true, इसने कहा कि नहीं वो एकदम गलत बोल रहा है, है ना, said in the malafide, malafide intention मतलब क्या होता है? बुरा, malafide intention है मतलब हमारा intention एकदम खराब है, खराब intention है। He is liable. पहले वाले में बोला, पहले मुझे बताओ केस कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है ना, जहां बोला he is not liable, वो सब गलत हो जाएगा। cannot, cannot, जहां cannot, cannot बोल दे तो अपने आप गलत हो जाएगा। बच्चा cannot, cannot बोल दे, एक मिनट कुछ गलत है, सॉरी वापस, बच्चा ये आंसर गलत दे रखा है, गलत है, सीनी होना चाहिए। बच्चा ही कैन नॉट बी लाइबल बिकॉज हिज फंडामेंटल राइट फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन बोल सकता है क्या? तो ही कैन नॉट बी लाइबल बच्चा, अच्छा ये ही उसकी बात करो, सॉरी बच्चा ही मतलब सिन्हा है, बोल कौन किसको रहा है ये बताओ, सिन्हा बोल रहा है किसको? राहुल को, तो ही मतलब क्या होगा ये बताओ, एक मिनट समझ गए, ही किसकी बात हो रही है? सिन्हा इज नॉट लाइबल क्योंकि उसने एक्सप्रेस किया, गलत है ना, ही का मतलब यहाँ पे कौन है? ये बात समझ में आई? तो बच्चा सिन्हा क्या कह रहा है, नॉट लाइबल बिकॉज ही इज जस्ट एक्सप्रेस हिज पर्सनल व्यू, गलत है ना, He cannot liable because his fundamental right freedom of expression, गलत है ना, exception नाम की चीज थी, किसी को defamation नहीं कर सकते। बच्चा मेरी बात सुनना, कान खोल कर।
मूवी की बुराई कर सकते हो बच्चा, लेकिन इस मूवी में अगर सलमान खान है उसकी पर्सनली बुराई करोगे तो गलत है ना। सलमान खान ने मूवी में कैसा काम किया उसकी बुराई कर सकते हो, लेकिन उसकी पर्सनल पर्सनल कैरेक्टर में आवाज उठा सकते हो क्या? नहीं। इसने पर्सनली उठा लिया, लूज कैरेक्टर बोल दिया तो नहीं बोल सकता। क्या राहुल केस कर सकता है? हाँ। क्या राहुल केस कर सकता है? इन्होंने कहा नहीं, सीना इज नॉट लाइबल, नॉट नॉट नॉट, ठीक है, कैन नॉट बी सू। तो ये सारी चीजें तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी? गलत। आंसर ही आपका गलत दे रखा है, बात समझ में आई? आंसर क्या दे रखा है? सी दे रखा है, गलत है। ये खुद एक्सेप्शन भूल गए हैं। क्या बात समझ में आई? गलत क्वेश्चन समझ में आया, पहले बताओ। ठीक है चलो दूसरे में चलते, ये गलत ही है, नालायक, बहुत नालायक है। चलिए बच्चा नेक्स्ट चलेंगे, पहले फैक्ट्स पढ़ेंगे। फैक्ट्स बताओ क्या लिखा है। राजा ने ऑफर किया टू बाय मिस्टर कितने में, बट राम ने क्या कर दिया? रिफ्यूज। तुरंत क्लिक होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, लेकिन राम ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। सब्सिक्वेंटली राजा ने क्या किया? धमकाया, थ्रेटन टू किल मिस्टर राम। बच्चा मिस्टर राम अग्री हो गया बेचने के लिए, नमृति वाला केस आता है। कौन सा प्रोविजन? वॉइडेबल, वॉइडेबल है ना। और किसी ने कुछ और भी बोला, दो तीन चीजें कनेक्ट होती है। और क्या? क्वेश्चन, वेरी गुड। क्वेश्चन पढ़ रहा था, क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? यही तो पढ़ा था, अवॉइडेबल होता है। वेरी गुड, सही है। मिस्टर राम सब्सिक्वेंटली क्या लिखा है? रिसाइन मतलब कैंसिल, वेरी गुड, फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्ट। राम ने डर के मारे तुरंत तो अग्री कर दिया और भेज दिया। मैंने क्या बोला था? अब वो घर जाएगा, वैलिड भी कर सकता है और वॉइड भी। इसने कैंसिल कर दिया, मतलब इसने क्या बोल दिया? वॉइड। कहाँ जाएगा? कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। क्या राज बच्चा सूट कर सकता है टू एनफोर्स दी कॉन्ट्रैक्ट? राजा कौन है बच्चा? राजा कौन है जो डरा धमका के, है ना, क्या कर रहा था बच्चा? सेल करवा रहा था। तो इन्होंने बोला भैया राजा करने जा रहा है क्या बच्चा? राजा सूट फाइल कर सकते हैं टू एनफोर्स। राम ने डरा धमका के तुरंत तो हाँ बोल दिया, बाद में उसने रिफ्यूज कर दिया, भैया मैं नहीं दूंगा। सामने तुरंत खड़ा तो हाँ बोल दिया, घर जाके उसने बोल दिया भैया अब तो सेफ हो गया हूं मैं, अब तो पुलिस के पास जा सकता हूँ। तो उसने तुरंत फोन करके बोला अब मैं नहीं कर रहा। अब राजा बोलते नहीं, तूने हाँ बोला था, अब मैं कोर्ट में जा रहा। तो क्या राजा केस फाइल कर सकता है बच्चा? तो पहला क्या लिखा है? ही विल सक्सीड बिकॉज द राजा वॉज लॉफुल कंसिडरेशन, वो पैसे देने को तैयार है। क्या सक्सीड करेगा? तो पहला ऑप्शन सही नहीं है बच्चा, बी ऑप्शन रीड करो, सी करो, बस इससे पहले आंसर देखे तुम लोग को। क्या है ऑप्शन बच्चा? राजा सक्सीड करेगा कि नहीं करेगा? अब मेरी बात सुनो, राजा सक्सीड नहीं करेगा ना। तो पहला सक्सीड लिखा था, फिर भी क्या लिखा है? सक्सीड सक्सीड। तो क्या लिखा है? राजा फेल हो जाएगा बिकॉज राम वॉज फोर्स टू अग्री। आंसर क्या है? पक्का समझ में आ रहा है? बस लीगल सबसे पहले तो ये देखना है तुरंत। नहीं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, अंदर का रीजन भी तो देखना है। अगर आपके पास, आपने देखा कि चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इन चार ऑप्शन में बच्चा क्या कर दिया था? तीन सक्सीड कर दिए थे और एक फेल कर दिया था, ठीक है। तो तीन ऑप्शन ऑटोमेटिक, कभी कभार क्या होता है दो रह जाएंगे, दो रह जाएंगे, फिर अंदर की डिटेलिंग पढ़ो, उन दोनों से कोई एक सेलेक्ट करना, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा आपको हिंट हो जाएगा, क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट रीड करेंगे। चलो पढ़ो। माइनर वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा है? बच्चा जो है कि अच्छा यंग बॉय लिखा था उसी में चलेगा, ठीक है। कितनी एज है लेकिन? और हम बहुत ज्यादा यंग नहीं है। विदाउट एनी कंसिडरेशन अग्री, बिना किसी कंसिडरेशन के क्या अग्री कर लेता है? तो गेव जॉली को कितने दिन को तैयार है? बाद में जॉय क्या हो जाता है? बोलता है भैया मैं नहीं कर रहा प्रॉमिस। पहले जॉय ने क्या बोला? भैया मैं क्या दूंगा? 10,000 दूंगा। बाद में क्या लिया? मना। जॉली जाकर केस फाइल कर रही है कि भैया दे मुझे वो पैसे। बच्चा क्या वैलिड कंसिडरेशन है? ए बी सी डी। जॉली सक्सीड, जॉली फेल, जॉली सक्सीड, जॉली सक्सीड। पहले बताओ जॉली सक्सीड हो गई, एक ही बचा फेल। लेकिन अगर दो ऑप्शन होंगे तो अच्छे से रीड करने का, दो ऑप्शन नहीं है तो हम भी रीड कर नहीं रहे, समझ में आ रहा है?
बन जाएगा। चलो नेक्स्ट बच्चा रीड करेंगे, रीड करो। बच्चा सबको रीड करके समझ में आना चाहिए है ना, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं रहूंगी है ना, तो पहले एक बार रीड करो और मन में रखना, जब रीड हो जाएगा तो बताना, फिर मैं पूछूंगी। हाँ बातचीत नहीं हो रही है, झगड़ा हो गया है। पढ़ लिया तो पहले मैं है ना पूछना चाह रही हूँ, कितने बच्चे ए बोल रहे, रुक तो जा, कितने बच्चे बी बोल रहे, सी कितने बच्चे बोल रहे और कितने बच्चे डी बोल रहे, मतलब लड़ाई किसमें है, ठीक है। चलो रीड करते बच्चा, चलो रीड करें बच्चा। देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन, हाँ void ab initio मतलब गलत है starting से, ठीक है। चलो there is a deadlock between the council of minister including prime minister, मतलब किसमें है बच्चा, बातचीत नहीं हो रही, बातचीत बंद है, dispute है, किसमें, prime minister of india और president में। president of india appointed, president of india ने किसे appoint किया है, आदर्श को as the justice of the supreme court of india, supreme court में बैठने वाले जज को किसने appoint किया बच्चा, president ने किया, ठीक है। मिस्टर गर्ग को अपॉइंट किया बच्चा एज अ दिल्ली का बच्चा जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट का किया है, किसने किया बच्चा, प्राइम मिनिस्टर है, मतलब दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के वाले जज को अपॉइंट किया और प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली हाई कोर्ट के, ठीक है। चलिए बच्चा बी और सी में है ना, बी और सी में ही ऑप्शन है, ए और डी तो है भी नहीं, ठीक है। रीड करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आदर्श इज वैलिड, उनका आदर्श का जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड है, और उसमें लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आदर्श एंड बच्चा जो घर गए वो क्या है बच्चा, वॉइड एब इनिशियो। अब थोड़ा सा हम जाते हैं अपने पुराने है ना प्रोविजन में, लॉ में, लॉ क्या बोलते हैं कुछ याद आ रहा है, कौन सा प्रोविजन है, अब मेरी बात सुनो, मैंने हमेशा बोला था अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी किसके पास, ऑलवेज प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर की कंसर्न लेता है, लेकिन मैंने ये कहा था कि जब भी मनमर्जी चलाना तो प्रेसिडेंट चला सकता है, नहीं चला सकता, प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं चला रहा हूं अपनी मर्जी, क्योंकि प्रेसिडेंट से झगड़ा हो गया, जो भी हो गया, बात नहीं हो पा रही है, क्लियर है। तो प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी चलाई और किसी से अपॉइंट किया, और प्राइम मिनिस्टर ने किया, क्या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, तो आंसर क्या है, क्योंकि अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, आदर्श का बाय द प्रेसिडेंट, ये तो वैलिड है ना, दोनों इनवाइट थोड़ी ना, मर्जी तो आखिरकार किसकी चलेगी, प्रेसिडेंट की, अगर वो मुंह बुला के बैठा गया हमारा पीएम तो भैया बुला के बैठे रहे, प्रेसिडेंट की तो चलेगी, तो बी ज्यादातर लोगों ने बोला था, वेरी 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 गुड, क्लियर है बच्चा। चलिए नेक्स्ट बी आंसर है, चलो पहले तो सिचुएशन, लेकिन ट्राई करें ऑप्शन भी दिख जाए, नहीं दिखेंगे तो देखी जाए, बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है पहले यही रीड करो है ना, वो क्या दो अलग अलग पेजेस में ना, चलो पहले ये रीड करो। चलो पढ़ तो लिया ना, सबने पढ़ लिया, सब पढ़ लो फिर मैं ऑप्शन दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चा स्क्रीन में छोटा दिख रहा है इसीलिए, पढ़ लिया ऑप्शन है ये, देख लिया क्या तुमने, गलती से भी नहीं देखना, मन में रखो आंसर, ठीक है। कितने बच्चे ए बोल रहे हैं, कितने बच्चे बी बोल रहे हैं, कितने बच्चे सी बोल रहे हैं, और कोई डी भी बोल रहा है, सही बोल रहे हो यार, बस समझ में आया। तो बच्चा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अगर आपको आंसर बन रहा है इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्लिक है, एकदम रटने की जरूरत नहीं है, किसमें रट्टाफिकेशन चाहिए क्या, कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अब ऐसे जूम कर करके देख लेते हैं,
वो तो मैं कह रही हूँ चैप्टर इंटरेस्टिंग है, रीड करो। फैक्चुअल सिचुएशन कितने बच्चे ये बोल रहे हैं, रुको जरा मैं बताऊंगी रीजन। कितने बच्चे ए बोल रहे हैं, कितने बच्चे बी बोल रहे हैं, बी 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 आयुष बस बोल रहा है, बी बी कोई नहीं बोल रहा, सी कोई नहीं बोल रहा, डी कोई नहीं बोल रहा, मतलब तुम लोग को लग रहा है कि होगा तो ए होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। जब ऐसा ही लग रहा है तो ए होगा ना। रीड करूं, रीड करूं, चलो एबीसी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड, बच्चा समझो एबी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट एज पर कंपनीज एक्ट, लेकिन पुराना लिखा है लेकिन वो भी तो कंपनी कंपनी मानी जाएगी ना। नेक्स्ट एबीसी लिमिटेड सॉरी एबीसी एलएलपी इनकॉर्पोरेट एज पर एलएलपी, एबीसी एंड कंपनी रजिस्टर्ड किसमें, पार्टनरशिप, एबीसी ट्रस्ट एज पर ट्रस्ट एक्ट। क्वेश्चन विच ऑफ द अबव एंटिटी मेंशन इज द फैक्ट, इन्होंने कहा ऊपर जितनी भी चीजें देखी उसमें से कंपनी कौन सी है, खत्म एबीसी। इतना ईजी तुम लोग ऐसा लगता है, इतना ईजी नहीं, नहीं 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 इतना ईजी नहीं पूछ सकते, ये वाली फीलिंग आती है ना, इंस्टीट्यूट इजी भी पूछता है। हाँ जैसे घुमा के पूछा लेकिन इजी ही था, आपको बस लग रहा था कि क्या पूछ लिया उन्होंने, है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बस वो देख रहे कि भाई आपको कंपनी बनता है कि नहीं बनता है, कंपनी लो। नेक्स्ट पहले ये पढ़ लो, ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट भी आते हैं, ठीक है मन में राम करना, तो पढ़ लिया सबने, ठीक है ए बी ऑप्शन देख लिया, सी ओ डी भी दिखा दू, रहने दू। कितने बच्चे ए बोल रहे, कितने बच्चे बी बोल रहे हैं, ए और बी में ही है, सी तो डी तो है ही नहीं। वेरी 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 गुड, कौन सा प्रोविजन क्लिक हो रहा है, प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट के लिए हमेशा लायबल रहेगा, वेरी गुड, विकेरियस लायबिलिटी में भी है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो मन में थोड़ा कंट्रोल, तू भी यस। कितने बच्चे ये बोल रहे, कोई बी सी डी भी कह रहा है क्या, आयुष बोल रहा है क्या, बोल रहा है यस करेक्ट है, मुझे समझ में आया कि पूरा चैप्टर ऐसे ही केस स्टडी से भरा हुआ है। अब अपनी बुक खोलेंगे, खोलो ठीक है, तुम लोग को मतलब हैबिट हो गई ना बिना आंसर दिए, तो अब आप ट्राई करो, नहीं तो क्या होता है ना कि दिमाग लगता ही लगता है, ठीक है फटाफट। अब मैं आपकी थोड़ी सी टाइमिंग देख रही हूँ, ठीक है, क्या होता है कि टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है मोबाइल टाइमिंग देख लो, 8 तक कर लिया है, 9 के पास जाएंगे, प्लीज बच्चा ट्राई करेंगे, ठीक है 5 मिनट में देखेंगे कि हम 5 क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, तो आपको 8, 9, 10, 11, 12 तक के क्वेश्चन फटाफट करने हैं, 5 मिनट का टाइम है।
नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन तक करना बच्चा। जिसको बन रहा है वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। एट तक मैंने करा दिया, नाइन्थ में किसी को डाउट है मैं उसकी टेबल में आ जाऊँ, नाइन्थ वाले में आ रही हूँ, फिर सिक्वेंस वाइज आऊंगी, ठीक है। चलो वापस क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्लेन कर रही, कर लो सारे भ्रम टूट जाएंगे, आ जाओ। चलो 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 आ जाओ बच्चा। चंद्रा और इस फादर गोपाल दो नलायक लोग थे, दो नलायक लोग थे जिन पे केस हुआ था, ठीक है, जेल में कैद थे। वन डे, एक दिन क्या होता है उसमें, बॉम्ब फेंक दिया जाता है, ठीक है, कॉजिंग डेथ। किसकी डेथ हो जाती है? डैडी की डेथ हो जाती है, ठीक है। और चंद्रा को बस कुछ है ना, थोड़ा सा क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, ठीक है। हाँ बहुत अजीब बोल रही थी लेकिन। विक्टिम बच्चा प्रीवियसली नॉलेज, उनको पहले से पता था अटैक होने वाला है, और बच्चा ये बात उन्होंने अपनी अथॉरिटीज को भी बताया था, मतलब पुलिस ऑफिसर्स को बताया था, इन्हें साफ साफ बताया गया था कि हम पे अटैक हो सकता है, हमें थोड़ी सी स्पेशल सिक्योरिटी दीजिए, बट नो एडिशनल सिक्योरिटी वॉज प्रोवाइडेड टू देम, उनको कोई भी एडिशनल सिक्योरिटी नहीं दी गई। ऑन द कॉन्ट्री दे वॉज दी बच्चा नेग्लिजेंसी, वो देखे गए कि बहुत नेग्लिजेंट काम करे, देर वॉज अ ग्रेट रिलैक्सेशन इन द नंबर ऑफ द पुलिस मैन, इन्होंने देखा वो बहुत ही आराम करे, जैसे नॉर्मली यूजली होते वो वैसे ही करे, ठीक है, गार्ड जेल में जो भी है काम कर रहा है जैसे वैसे ही करें। ऑन द ग्राउंड ऑफ द नेग्लिजेंसी सूट वॉज फाइल्ड बाय द चंद्रा अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द सूट विल, पहले बताओ कौन सा लॉ याद आ रहा है, टॉट याद आ रहा है, सोवरेन के लिए सरकार लाइबल होती है, सोवरेन काम कौन से काम होते हैं, सिर्फ जो गवर्नमेंट करती है, पुलिस का काम जेल का काम बस कौन कर सकती है, सरकार, सरकार लाइबल होगी क्या, द सूट विल, सूट विल केस फाइल किया गया पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट, केस फाइल किया पुलिस ऑफिसर के बीच, बच्चा क्या वो सूट फाइल कर सकता है, कर सकता है क्या बच्चा, उसका सूट फेल हो जाएगा बिकॉज जेल इज मेंटेन फैसिलिटीज अ पार्ट ऑफ, बच्चा आप ध्यान दो ये चंद्रा किसके अगेंस्ट आ रहा है, पुलिस ऑफिसर पर्सनली लाइबल होने वाला है, क्या बात समझ में आए, तुम लोग को बार बार ये बुरा लग रहा है, पुलिस ऑफिसर ने तो बहुत गलत किया बच्चा, पुलिस वाले को पकड़ा जाएगा लेकिन सरकार उसकी भरपाई करेगी क्या, ये क्या कह रहा है, चंद्रा ने केस फाइल किया सरकार के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट क्यों केस, नालायक ने किसके अगेंस्ट आना था, पर्सनली वो लाइबल हो जाएगा, अपने पॉकेट से कंपनसेशन पे करेगा, हाँ बच्चा अब समझ में आया, तुम्हें बुरा ये लग रहा था पुलिस वाले ने इतना गलत किया, आराम से बच्चा, हमने साफ तो ही पढ़ा था कि प्रिंसिपल अपने एम्प्लॉय को क्या करेगा, बचाएगा ना, प्रिंसिपल हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपने एजेंट के लिए, सरकार प्रिंसिपल है, पुलिस ऑफिसर उसका क्या है, एजेंट है, इन्होंने कहा एजेंट पर्सनली लाइबल होगा, सरकार हर जाना पे करेगी क्या, कंपनसेट करेगी क्या, नहीं, पुलिस ऑफिसर पर्सनली पे करेगा अपने पॉकेट से, पुलिस ऑफिसर को सजा मिलेगी, जो तुम सोच रहे वो होगा, लेकिन केस पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अगर वो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट आता तो बच्चा मिलता ना, बात समझ में आ गई, पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं, 16 के बाद कौन सा है, 18, तेरे को पर्सनली समझाऊंगी अब, जिसमें ज्यादा मेजोरिटी में आएंगे, 20 रुक जाओ, 16 हो गया ना, 17 में किसको दिक्कत, एक ही बच्चों को 17 में दिक्कत है ना, 18 में किसको दिक्कत, 19 में किसको दिक्कत, 20 में किसको दिक्कत, 20 कितने लोगों को दिक्कत है, अब मैं 20 सबके साथ समझाऊंगी जिसमें मेजोरिटी बच्चा, चलिए रीड करते बच्चा केस। अच्छा ये तो वही वाला है जो मैंने अभी डिस्कस किया तुम्हारे साथ है ना, चलिए बस बस वही, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है क्या, हाँ है ना, वॉज, बट द एबॉलिश बच्चा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट आया उसको हटा दिया गया, हुआ था ऐसा, मिस्टर गौतम डिसाइड टू चैलेंज, उसने किस चीज को चैलेंज किया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द अमेंडमेंट, उसने क्या बोल दिया ये अमेंडमेंट नहीं हो सकते भाई, ये अमेंडमेंट कैसे कर सकते हो, तो बच्चा उसने केस कर दिया, पहले बताओ केस कर सकता है क्या, केस तो नहीं कर सकता, तो पहला पॉइंट बोल दिया सक्सीड होगा क्या, तो फेल होने वाला है, फेल होने वाले कितने ऑप्शन आए हैं, फेल होने वाले कितने ऑप्शन आए बच्चा, कान खोलकर सुन लो साफ साफ, कान खोलकर सुन लो साफ साफ है ना, इसके स्टेटमेंट बहुत अजीब ही है,
अब फेल होने वाले दो ऑप्शन है, ये भी फेल ये भी फेल। चलो नीचे वाला पहले पढ़ते हैं। फेल बिकॉज उन्होंने कहा इसलिए फेल हो गया क्योंकि क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी ना पार्ट थ्री में नहीं आता। पार्ट थ्री क्या था? फंडामेंटल राइट। इस कारण से फेल हुआ, इस कारण से फेल नहीं बना। अब मुझे बताओ कुछ बचा क्या? बी बचा। लेकिन अब बी को एक बार रीड करेंगे। बी की लैंग्वेज बहुत ही अजीब है, बी की लैंग्वेज बहुत अजीब है। आओ, फेल इसलिए हो गया क्योंकि लॉ रेफर्ड, जो अभी उन्होंने केस पढ़ाया उस पर जो लॉ रेफर किया जा रहा है वो किस लॉ की बात कर रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। द लॉ रेफर्ड टू द अबव स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू, बच्चा क्या बोल दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इनकी लैंग्वेज बहुत अजीब है, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो एक्सप्लेनेशन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सकता क्या? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंड हो सकता है तो अमेंडमेंट किए हैं ना। बस ये लैंग्वेज जो है इनकी गड़बड़ है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, इसीलिए वो फेल गए। उन्हें ये लिखना था जो वो नहीं लिख पाए। क्या बात समझ में आ गई? लैंग्वेज बस अजीब है। ठीक है, तो आंसर इज बी। समझ में आया? लैंग्वेज का इश्यू है, बहुत सारी थोड़ी सी मिस्टेक्स है। अब बच्चा 21 में किसी को दिक्कत? तो बच्चा पूरा चैप्टर खत्म, कुछ बचा? कहा था ना चिल्लर चैप्टर है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है पूरे से ओवर।